बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में योगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब योगेश की शादी हुई तो उसकी पत्नी सुचेता ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने ही बड़े प्यार से अमायरा रखा। अमायरा के जन्म के 2-3 साल बाद ही सुचेता का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के बाद योगेश ने रूबी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अमायरा की सौतेली माँ रूबी बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो अमायरा से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो अमायरा पर बहुत अत्याचार करती थी। अत्याचार सहते सहते अमायरा बड़ी होती गई। फिर कुछ समय बाद उसकी 2 बहनें और हुई। अमायरा की दोनों बहनों के होते ही 5-6 दिनों के अंदर योगेश की भी मृत्यु हो गई। अमायरा के पास अब अपना कहने के लिए कोई नहीं था। बचपन से ही अमायरा की सौतेली माँ रूबी अमायरा से बहुत काम करवाया करती थी। इस चक्कर में अमायरा की पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं हो पाई। अमायरा को बिल्कुल घर का नौकर बना दिया, लेकिन अमायरा ने कभी भी कुछ नहीं कहा। उसने ये अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अब अमायरा बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रंग रूप भी उतना ही अच्छा था। वो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, जिस वजह से रूबी अमायरा से और ज्यादा नफरत करती थी। वो अमायरा को घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। वो अमायरा को पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और घर का खूब काम करवाया करती थी, ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी अमायरा को बचा कुचा दिया जाता था। इन सब चीजों से अमायरा बहुत दुखी थी। अमायरा का बहुत मन करता था बाहर घूमने का, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो खिड़की से ही लोगों को आते जाते देखा करती थी। अमायरा का दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे। एक दिन उस गाँव के राजकुमार का जन्मदिन था। उस नगर की रानी ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि वो अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेगा। महारानी के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक गांव के सभी घरों में गया और भोज का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो अमायरा के घर पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाया। अमायरा की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला, तब वो दूत बोला, राजकुमार के जन्मदिन का महल में भोज है, आप सब जरूर आइएगा। खास करके युवतियों को आना है। आपके घर में शादी योग्य जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी को लेकर जरूर आइएगा। राजकुमार उन्हीं में से अपने लिए पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर रूबी बहुत खुश हुई। पीछे से ये बात अमायरा ने भी सुन ली। फिर वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, हमारे गांव के राजकुमार का जन्मदिन का भोज है, उनके जन्मदिन में मुझे भी जाना है। ये सुनकर अमायरा की सौतेली माँ ने रूबी को एक थप्पड़ जड़ दिया और वहाँ जाने से उसको साफ इनकार कर दिया। बड़ी आई भोज में जाने वाली, चुपचाप घर में रहकर घर का काम संभाल, घर से बाहर कदम रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रूबी चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई राजकुमार के साथ विवाह करे, लेकिन उसकी दोनों बेटियां तो सुंदर थी ही नहीं। वो किसी भी कीमत पर अमायरा को भोज में नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि अमायरा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसको ये बात अच्छे से पता थी कि अगर अमायरा भोज में जाएगी तो राजकुमार अमायरा को तुरंत ही पसंद कर लेंगे और उसे ही अपना जीवन संगनी चुन लेंगे। इसलिए वो अमायरा को घर पर बहुत सारा काम दे देती है, ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। ऐसे ही जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। अमायरा की सौतेली माँ ने अमायरा को अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाने के लिए दे दी, ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। पूरा दिन लगकर अमायरा ने दोनों के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाई। अरे वाह, तूने मेरी बेटियों के लिए ड्रेस तो बहुत सुंदर बनाई है, मानना पड़ेगा। चल अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उसको धो दे। अमायरा चुपचाप उदास मन कपड़े धोने चली जाती है। घर के सभी लोग अच्छे से तैयार होकर पार्टी में चले गए। अमायरा घर पर कपड़े धोने के बाद अकेली बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी, काश माँ आज अब जिंदा होती तो मैं भी आज अच्छे से तैयार होकर राजकुमार के जन्मदिन के भोज में जा पाती। आप क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई?
ये सब बोलकर अमायरा रो रही थी, तभी अचानक से अमायरा के कमरे में बहुत तेज रोशनी होती है और उस रोशनी के बीच उसकी माँ परी के रूप में प्रकट हुई। अमायरा ये देखकर चौंक गई। अरे कौन है आप और आप ऐसी अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गई? घबराओ मत बेटी, अभी तुम मुझे याद कर रही थी ना। बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हें बहुत जल्दी जो छोड़कर चली गई, भगवान को शायद यही मंजूर था, परंतु भगवान ने आज मुझे तुमसे मिलने का दूसरा मौका दिया है। मृत्यु के बाद मैं एक परी बन गई और मैं तुमसे मिलने आ गई। अपनी माँ को देखकर अमायरा उनके गले से लग जाती है और बहुत रोती है। माँ ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, पहले आप छोड़कर चली गई, फिर कुछ समय बाद पिताजी छोड़कर चले गए। मेरी जिंदगी इन लोगों ने जहन्नुम बना रखी है, ना कभी घर से बाहर कदम रखने देते हैं, ना ढंग के कपड़े पहनने देते हैं, सारा दिन मुझसे नौकरानी की तरह खटवाते हैं। फिर भी मैंने इनको कभी कुछ नहीं कहा, अपना किस्मत समझकर सब कुछ सहती गई। आज पहली बार मैंने अपने मन की बात रखी, मेरा भी बहुत मन है राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जाने का, उसमें भी माँ ने मुझे मना कर दिया। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। तुम राजकुमार के जन्मदिन के भोज में जाना चाहती हो ना, तुम जरूर जाओगी। परंतु मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े है ही नहीं, वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर से तैयार होकर आए होंगे। चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। इसके बाद परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और अमायरा बहुत ही सुंदर से तैयार हो गई, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अमायरा सुंदर तो थी ही, परंतु अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसके सुंदर ड्रेस, उसके सैंडल, उसके सुंदर बाल, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। अमायरा अपना ये लुक देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये सब कितना सुंदर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटी, पर बेटी मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तुम उससे पहले ही घर वापस आ जाना। अमायरा अपनी माँ की बात समझ गई। उसके बाद परी ने अमायरा के लिए एक बग्गी का इंतजाम किया। अमायरा उसमें बैठकर राजमहल की ओर निकल गई। अमायरा ने जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, सबकी नज़र अमायरा पर ही टिक गई। महल में आए सभी लोग एकटक अमायरा को देखने लगे और राजकुमार को भी अमायरा बहुत अच्छी लगी। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनों ने भी अमायरा को नहीं पहचाना। अब राजकुमार ने फैसला कर लिया कि वो शादी अमायरा से ही करेगा। वो अमायरा के पास गया और उसको डांस के लिए पूछा। अमायरा मान गई और उसने राजकुमार के साथ बहुत देर तक डांस किया। इस बीच अमायरा को समय का पता ही नहीं चला, तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे परी की बात याद आ गई। उसने तुरंत ही राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे भागने लगा। हड़बड़ी में सिंड्रेला के कान के झुमके वहीं पर गिर गए। अमायरा तो जा चुकी थी। राजकुमार के हाथ अमायरा का एक जोड़ी झुमका लगा। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम तक ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार स्वयं गांव में जाकर उस झुमके वाली लड़की को ढूंढने लगा। राजकुमार घर घर जाकर लड़कियों से झुमके के बारे में पूछा। अरे हाँ हाँ राजकुमार, ये झुमका तो मेरा ही है। अच्छा, अगर ये झुमका तुम्हारा है तो इसका दूसरा जोड़ा लेकर आओ। झुमका का दूसरा जोड़ा तो लड़की के पास था ही नहीं। पूरे गांव में ढूंढने पर झुमके का दूसरा जोड़ा गांव की किसी भी लड़की के पास नहीं मिला। फिर राजकुमार अंत में निराश होकर गांव के आखिरी घर अमायरा के घर पहुंचा। वहां भी दोनों बहनों ने उस झुमके को अपना झुमका बताया। राजकुमार के दूसरे झुमके लाने पर वो दोनों बहनों का भी झूठ पकड़ा गया। तभी राजकुमार की नज़र थोड़ी दूर खड़ी अमायरा पर गई और वो उसकी खूबसूरती में खो गया और उसे वो लड़की रात वाली लड़की से मिलती जुलती लगी। राजकुमार ने अमायरा को बुलाया और उससे पूछा, क्या ये झुमका आपका है? नहीं तो, ये झुमका मेरा नहीं है। आप झूठ मत बोलिए, देखिए अब तो मैं पक्का मान गया हूँ कि झुमका आपका ही है, क्योंकि गांव की सभी लड़कियों ने यही बोला कि ये झुमका मेरा है। एक आप ही ऐसी लड़की हैं जिसने इसे अपना बताने से इनकार कर दिया, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हो ना हो ये झुमका आप ही का है।
राजकुमार की बात सुनकर अमायरा कहती है, हाँ ये झुमका मेरा ही है। तो इसका दूसरा जोड़ा लाइए। अमायरा अंदर जाती है और उस झुमके का दूसरा जोड़ा लेकर आती है। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ महल ले आता है। वहाँ दोनों की शादी हुई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इधर अमायरा की सौतेली माँ कुछ न कर सकी। पूर गांव में अंजलि नाम की लड़की रहती थी। जब अंजलि पेट में थी तब उसकी माँ ने डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाई खा ली थी, जिसकी वजह से अंजलि के दोनों हाथ काम नहीं करते थे। अंजलि के सारे काम उसकी माँ करती थी। एक दिन अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ आस पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का। बेटी मैं तेरी परेशानी अच्छे से समझती हूँ। मैं आज तक उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने डॉक्टर से बिना सलाह लिए गलत दवाई खा ली थी। जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। ये बोलकर सुमित्रा रोने लग जाती है। अरे माँ आप रोना बंद करो, इतनी सी बात पर आप रो रही हो। ये इतनी सी बात नहीं है, मेरी गलती की वजह से तुझे सजा मिल रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे भी और बच्चों की तरह खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई करने का मन करता होगा। कोई बात नहीं माँ, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। आप रोना बंद करिए, अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं कभी आपको कोई बात नहीं बताऊंगी। अंजलि का उसके गांव के कुछ लड़कियां मजाक बनाती थी। अंजलि के घर से कुछ दूरी पर एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के पास एक बड़ी सी नदी भी थी। गांव के बहुत से बच्चे वहां आम तोड़ने जाते थे। शाम को अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे सारे दोस्त आम के पेड़ के पास जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। उसके बाद अंजलि आम के पेड़ के पास चली जाती है। सारे बच्चे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अंजलि पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर नैना नाम की एक लड़की आती है। अरे अंजलि तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, चलो चलो आम तोड़ते हैं। नैना तुम मुझे बोल रही हो आम तोड़ने के लिए? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे तो हाथ ही काम नहीं करते हैं, फिर तुम कैसे आम तोड़ोगी। इतना कहकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ खड़े बाकी बच्चे भी नैना की बात पर हंसने लगते हैं और अंजलि का मजाक उड़ाने लगते हैं। अंजलि भी बाकी बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना चाहती थी लेकिन बेचारे के हाथ काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। अंजलि वहाँ से चली जाती है और रास्ते में रोते हुए खुद में कहती है, हे भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मेरा भी मन करता है कि मैं इन बच्चों की तरह दौड़ लगाऊं, भागूं और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ूं। उसके बाद अंजलि अपने घर चली जाती है। घर आकर अंजलि अपनी माँ के सामने बहुत रोती है। माँ आज नैना ने मेरा बहुत मजाक बनाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू बहुत बहादुर है, फिर इन छोटी बातों पर क्यों रो रही है। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बहुत बहादुर हूँ, फिर मैं ऐसी छोटी बातों पर क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं अब कभी भी आम के पेड़ के पास नहीं जाऊँगी। अगले दिन अंजलि को कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। अरे लगता है मुझे कोई बुला रहा है, जाकर देखती हूँ। अंजलि बाहर जाकर देखती है तो नैना उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नैना उसे बोलती है, इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ। तुम आज आम के पेड़ के पास नहीं आई, क्या हुआ। नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया, कल की बातों का बुरा मान गई क्या। अरे चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैं आम तोड़ ही नहीं पाऊंगी तो वहाँ जाकर क्या करूंगी। तुम आम तो नहीं तोड़ सकती हो लेकिन हमारे साथ तो आ ही सकती हो ना। लेकिन मैं वहाँ जाकर करूंगी क्या, इससे अच्छा होगा कि मैं घर में ही रहूं। घर में रहकर भी क्या करोगी, हमें वहाँ बैठकर आम तोड़ते हुए देखना, चलो हमारे साथ। नैना के बहुत बोलने पर अंजलि उसके साथ चली जाती है। अंजलि एक और बैठकर उनको देखने लगती है। तभी वहाँ पर आयशा नाम की बहुत ही शरारती लड़की आती है। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पर, चलो तुम सब हटो यहाँ से, अब मैं आम तोड़ूंगी, चलो निकलो यहाँ से। आयशा को देखकर सभी बच्चे वहाँ से हट जाते हैं। आयशा जी भर के आम तोड़ लेती है। उसके बाद आयशा खुश होकर कहती है,
अब मैं आराम से बैठकर आम खाऊंगी। मेरे पास तो बहुत सारे आम जमा हो गए, मैं जी भर के आम खा सकती हूँ। आयशा आम खाने लगती है, तभी उसकी नज़र अंजलि पर पड़ती है। अंजलि आयशा की तरफ ही देख रही होती है। आयशा अंजलि के पास आकर बैठ जाती है और उसे दिखा दिखा कर आम खाने लगती है। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें अपने ये आम देने आई हूँ? अरे निकलो यहाँ से, इतना ही खाने का शौक है तो खुद ही तोड़ लो ना। अरे लेकिन तुम्हारे तो हाथ किसी काम के नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे तुमसे आम चाहिए? लेकिन तुम मेरी तरफ देख रही थी ना, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें आम खाने का मन था। इस तरह आयशा उसका बहुत मजाक उड़ाती है और हंसने लगती है। वहाँ पर खड़ी निशा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निशा आयशा के पास जाती है और उसे बोलती है, आयशा तुम अंजलि का मजाक क्यों उड़ा रही हो? भला इसमें इसकी क्या गलती है? अंजलि का मजाक उड़ाना बंद करो। क्यों? अगर मैंने इसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी? अगर तुमने इसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं अभी तुम्हारी माँ से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगी। आयशा को अपनी माँ से बहुत डर लगता था। निशा की बात सुनकर आयशा बोलती है, ठीक है ठीक है, अब मैं कभी भी इसका मजाक नहीं बनाऊंगी, लेकिन तुम मेरी मम्मी को मत बोलना। हाँ ठीक है, अगर तुमने इसका मजाक नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी माँ से शिकायत नहीं करूंगी। उसके बाद आयशा वहाँ से चली जाती है। अंजलि निशा से कहती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, रुको मैं अभी तुम्हें आम तोड़ कर देती हूँ। उसके बाद निशा अंजलि को आम तोड़ कर देती है। फिर दोनों साथ में आम खाने लगते हैं। दोनों आम खाते खाते एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद आयशा फिर से वहाँ पर आ जाती है। दोनों को इतने अच्छे से बातें करते हुए देख आयशा अपने मन में सोचती है, ये निशा खुद को समझती क्या है? मुझसे पंगा लेकर इसने बहुत गलत किया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन आयशा अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ने जाती है। तभी निशा और अंजलि भी वहाँ आती है। निशा अंजलि के साथ एक तरफ बैठकर बातें करने लगती है। जब सभी आम तोड़कर चले जाती हैं, तब निशा नदी से पानी पीने चली जाती है। तभी मौके का फायदा देखकर आयशा निशा को नदी में धक्का दे देती है। निशा को तैरना नहीं आता था। निशा रोते हुए बोलती है, अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। निशा की आवाज़ सुनकर अंजलि वहाँ आ जाती है। निशा ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे गिरी? अंजलि मेरी मदद करो वरना मैं यहीं डूबकर मर जाऊंगी, अंजलि कुछ करो। ये सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है। अंजलि अपने मन में सोचने लगती है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे निशा की जान बच जाए? मैं इसे कैसे बचा पाऊंगी, मेरे तो दोनों हाथ काम ही नहीं करते हैं। अंजलि ये सब सोच रही होती है कि तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, अंजलि मैं तुम्हें एक जादुई आम दे रहा हूँ, उस आम को खाकर तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी और तुम्हारे ये दोनों हाथ भी ठीक हो जाएंगे। जादुई आम? लेकिन ये तो मामूली पेड़ है। हाँ ये बाकी बच्चों के लिए मामूली पेड़ है, लेकिन इस पेड़ में एक जादुई आम है जो कभी कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें वो जादुई आम दे रहा हूँ, उससे तुम निशा की जान बचा सकती हो। इतना बोलकर पेड़ एक आम जमीन पर गिरा देता है। अंजलि उस आम को खा लेती है। आम खाते ही अंजलि खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगती है और उसके दोनों हाथ भी ठीक हो जाते हैं। अंजलि नदी में कूद जाती है और निशा को बचाकर बाहर ले आती है। अंजलि आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे उस आयशा ने नदी में धक्का दिया है। आज हम आयशा को छोड़ेंगे नहीं, चलो उसकी माँ को जाकर बोलते हैं। उसके बाद अंजलि और निशा आयशा की माँ को उसकी शिकायत करती हैं। आयशा की माँ उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो निशा और अंजलि, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और हाँ अब मैं किसी का मजाक भी नहीं बनाऊंगी। उसके बाद अंजलि और निशा वहाँ से चले जाती हैं। घर आकर अंजलि अपनी माँ को अपने हाथ ठीक होने के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। माँ अब आप मेरा जल्दी से स्कूल में एडमिशन करवा दो, मुझे निशा के स्कूल में पढ़ना है। ठीक है मैं कल ही तेरा एडमिशन करवा दूंगी। इस तरह अंजलि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।
बिंदियापुर नामक गांव में सुष्मिता नाम की एक औरत अपनी बेटी राधा के साथ रह रही थी। राधा जब 5 साल की थी तभी उसका पति मोहन उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहने चला गया था। मोहन के चले जाने पर सुष्मिता के ससुराल वाले सुष्मिता पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग सुष्मिता को ही गलत समझ रहे थे कि इसी की वजह से उनका बेटा घर छोड़कर चला गया है। एक दिन सुष्मिता के ससुराल वाले सुष्मिता के मायके में फोन करके उनको घर बुलाते हैं और उनको सुष्मिता के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाते हैं। उनके सामने ही सुष्मिता की सास सुष्मिता से कहती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा था लेकिन तुझ में ही कोई खोट होगी जिस कारण तेरी वजह से हमारा बेटा हम सबको छोड़कर चला गया। अब तुझे भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए चली जा यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। सुष्मिता बहुत गिड़गिड़ाती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। सुष्मिता के खुद के माता पिता ने भी उसे अपने घर ना आने की सलाह दे दी। सुष्मिता दुखी मन से अपनी बेटी राधा के साथ घर छोड़कर निकल जाती है। सुष्मिता चलती जाती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो थकी हारी एक तालाब के पास पहुंच जाती है। बेटी तुम यहीं रुको, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सुष्मिता अपनी बेटी को पेड़ की छांव में बैठाकर तालाब में से पानी लेने जाती है। तभी उसे तालाब के किनारे जाल में फंसी एक मुर्गी दिखाई देती है। हे भगवान, कितनी प्यारी मुर्गी है, न जाने किसने इसे जाल में फंसा रखा है। सुष्मिता उस मुर्गी को जाल से मुक्त करती है और अपनी बेटी के लिए पानी लाकर उसे पिलाती है। तभी वो मुर्गी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। उसे देख सुष्मिता कहती है, मुर्गी अब तुम जाओ यहाँ से, हटो, अब तुम आजाद हो चुकी हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, चली जाओ। सुष्मिता के बोलने पर भी वो मुर्गी नहीं मानती और उसके पीछे पीछे ही चलने लगती है। सुष्मिता उस मुर्गी को पुचकारते हुए कहती है, अरे मुर्गी रानी, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, एक तो हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया गया है और तो और हम दोनों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और न ही खाने का, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, चलो जाओ अपनी राह पर। इतना बोलकर सुष्मिता चलने लगती है, परंतु फिर भी वो मुर्गी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ऐसे ही सुष्मिता एक गाँव में पहुँच जाती है जहाँ पर सुष्मिता अपने लिए काम मांगने लगती है। सुष्मिता एक दुकान में जाती है और कहती है, भैया मेरे लायक कोई काम होगा क्या, अगर है तो दिला दो ना, आपका भला होगा। उसी गांव में विनोद नाम का एक भला इंसान रहता था। वो दुकान वाला सुष्मिता को उसका पता बताता है, फिर सुष्मिता उसके पास जाकर काम मांगती है। वो सुष्मिता को काम देता है। बहन क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ हाँ भैया, जरूर कर लूँगी, पेट भरने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो ठीक है, तुम एक काम करो, यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो, मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, लेकिन तुम हो कहाँ से? भैया बस आप मुझसे ये सब मत पूछिए, मैंने आपको भाई कहा है और आपने मुझे जरूरत के वक्त काम दिया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब सुष्मिता वहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है, वो मुर्गी भी उनके साथ ही रहती है। सुष्मिता खेतों में काम करने के साथ साथ विनोद की माँ का भी देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक साल बीत जाता है, वो मुर्गी भी बड़ी हो गई थी। एक दिन रात के समय सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। जब अगली सुबह सुष्मिता उठती है और मुर्गी को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर सुष्मिता कहती है, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे? तभी वो मुर्गी बोलती है, माँ माँ, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाई हो, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। ये सुनते ही सुष्मिता उस मुर्गी को गले से लगा लेती है
अब मुर्गी हर रोज सोने का एक अंडा देती। सुनीता उस सोने के अंडे को विनोद के हवाले कर शहर में बेच कर आने को कहती। विनोद बहुत अच्छा इंसान था। वो उस सोने के अंडे को बेच कर जितने भी पैसे मिलते सारे पैसे सुष्मिता को दे दिया करता था। ऐसी ही सुष्मिता उन पैसों से गांव में एक जमीन खरीद कर अपना बहुत बड़ा घर बनवा लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। ये देखकर उस गांव के लोग बहुत चकित थे और सोच में पड़ गए थे कि सुष्मिता इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बनवा ली। एक दिन सुष्मिता बाजार से घर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में सरपंच की पत्नी माया मिलती है। वो सुष्मिता को रोक कर कहती है, क्या बात है सुष्मिता, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाट है। जब तुम इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब क्या कोई खजाना बजाना मिल गया है? आखिर मुझे भी तो बताओ इसके पीछे का राज। सुष्मिता बेचारी भोले मन से सब कुछ माया को बता देती है। सुष्मिता की बातें सुन माया के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति श्याम लाल को सारी बातें बताती है। श्याम लाल इस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच के कारण रात के समय दोनों पति पत्नी सुष्मिता के घर घुस जाते हैं और उस मुर्गी को चुराने की कोशिश करते हैं, मगर मुर्गी तेज तेज चिल्लाने लगती है। उसका शोर सुनकर सुष्मिता भागकर मुर्गी के पास आती है। तब तक श्याम लाल और माया वहाँ से भाग चुके थे। सुष्मिता को देखकर मुर्गी शांत हो चुकी थी। सुष्मिता वहीं मुर्गी के पास ही सो जाती है। अब श्याम लाल हर रोज उस मुर्गी पर नजर रखने लगता है ताकि मुर्गी जैसे ही अंडा दे वो उस अंडे को चुरा ले। एक दिन मुर्गी सुबह सुबह अंडा देकर बाहर घूमने निकल जाती है। मौका देखकर झट से श्याम लाल अंडा चुरा लेता है और अपने घर जाकर वो सोने का अंडा माया को दिखाता है। अरे वाह वाह, सोने का अंडा, देखा जी मैंने कहा था ना कि वो मुर्गी सोने का अंडा देती है, जिस कारण वो सुष्मिता इतनी अमीर हो गई, उसने खुद मुझे बताया था। माया, मैं इस अंडे को तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ जी बिल्कुल, कुछ दिनों बाद हम इस अंडे को बेचेंगे और हाँ, आप ऐसे ही नजर रखेगा, शायद हमें और अंडे मिल जाए। हाँ, इससे हम इस गांव के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। श्याम लाल उस अंडे को अपनी तिजोरी में रख देता है। हर रोज की तरह जब आज सुष्मिता मुर्गी के पास जाती है तो उसे अंडा नहीं मिलता। वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, पर उसे समझ में आ जाता है कि अंडे की चोरी हो गई है। लेकिन सुष्मिता चुप रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी ही रात हो जाती है, मुर्गी सोने का अंडा देती है। आज रात सुष्मिता मुर्गी के पास ही सोई थी। सुबह सवेरे 4 बजे श्याम लाल अंडा चुराने उसके घर आता है, पर वो खिड़की से देखता है कि सुष्मिता मुर्गी के पास ही सो रही है, तो उसे अंडा चुराने का मौका ही नहीं मिलता। वो खाली हाथ घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, खाली हाथ ही लौट आए? अरे माया, आज मौका ही नहीं मिला, वो सुष्मिता मुर्गी के बगल में ही सो रही थी। चलो कोई बात नहीं जी, हमारे पास एक अंडा तो है। श्याम लाल तिजोरी खोलता है तो देखता है कि अंडे के साथ साथ तिजोरी में रखा सारा पैसा, सोना, जेवरात सब राख हो गया है। ये देखकर श्याम लाल जोर जोर से आवाज लगाकर माया को बुलाता है। अरे अरे माया, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। माया जल्दी से श्याम लाल के पास पहुंचती है और सब कुछ राख देखकर वो अपना सर पीट लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलती पर पछतावा करती है। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, हमारे लालच ने हमें क्या से क्या बना दिया, हे भगवान। अरे भाग्यवान, अब रो मत, जो होना था हो गया, हमारे लालच के कारण ही ये सब हुआ है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी थी, सब कुछ तो था, उसके बावजूद भी हमने और अधिक पाने की लालच में वो सोने का अंडा चुराया, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब से हम ये कसम खाएंगे कि आगे से लालच कभी नहीं करेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे और कल सुबह ही जाकर सुष्मिता से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेंगे। आप सही कहते हो जी। दोनों सुबह होते ही सुष्मिता के घर पहुंचकर उसे सारी बातें बताती हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती हैं। सुष्मिता उन्हें माफ कर देती है। अब सुष्मिता अपनी बेटी राधा के साथ बहुत ही खुशी से उस बड़े से घर में आराम से रहने लगती है।
अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ वो गांव के हर जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है।